व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं इस वीडियो में आपको टॉप 6 जो है वो फेयरलेस बैट्समैन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ गाइस, फेयरलेस बैट्समैन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसे बैट्समैन भी होते हैं गाइस जो कि सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, अपना थोड़ा टाइम लेते हैं जब वो क्रीज पर आते हैं, लेकिन गाइस कुछ ऐसे फेयरलेस बैट्समैन भी होते हैं जो आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, पहली बॉल से ही जो है वो बॉलर्स पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ऐसे 6 क्रिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए, इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहती हैं। और गाइस वीडियो के एंड में ना हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग गिव रखा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, नंबर 6 पर वहां पर मैंने रखा है ब्रैंडन मैकुलम को। जी हाँ गाइस, ब्रैंडन मैकुलम न्यूजीलैंड से आते थे, ओपनिंग बैट्समैन थे न्यूजीलैंड के, काफी गाइस ये विस्फोटक बल्लेबाज थे, आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए काफी विस्फोटक पारियां खेली हुई है इन्होंने, काफी बड़े बड़े सिक्स ये लगाते थे, आते ही पहली बॉल से ट्राई करते थे कि बॉलर्स पर जो है वो हावी हुआ जाए। नंबर 5 की बात करूं तो गाइस वहां पर मैंने रखा है मिस्टर 360 ए बी डिविलियर्स को। जी हाँ गाइस, मिस्टर ए बी डिविलियर्स भी जो है वो 360 शॉट खेलते हैं, उनको गाइस आने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगता सेट होने को, आते ही गाइस उल्टे टेढ़े शॉट जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं और काफी बड़े बड़े सिक्स वो भी लगाते हैं और काफी अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। और गाइस इसके बाद नंबर 4 पर मैंने किसको रखा है वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि मैं आईपीएल में काफ़ी टीमें बनाकर खेला करता था गाइस, मैं 20 टीमें बनाकर खेला करता था, और गाइस मैंने ना आईपीएल में जो है वो 10 लाख रुपए तक के जीते हैं। तो गाइस अब जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एमपीएल पर ही फैंटसी क्रिकेट खेलूंगा, इस बार गाइस मैं 20 नहीं मैं 25 टीमें बनाकर खेलूंगा, ताकि मेरे जो जीतने के चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। तो गाइस मैं ऑलरेडी जो है वो 24 टीमें बना चुका हूँ, 25वीं टीम आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी आज के मैच की। गाइस आप लोग ना एमपीएल पर T20 वर्ल्ड कप में गाइस इंडिया के मैचेस वाले दिन 2 करोड़ तक के जो है वो डेली प्राइजेस जीत सकते हैं, 1000 रुपए तक का आपको कैशबैक भी मिलेगा, मिनिमम 35 रुपए का आपको जो है वो डिपॉजिट करना होगा। और गाइस आप लोग ना एमपीएल पर फ्री में खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हैं, ये सब लोग जैसे विनर्स बने हैं आप भी गाइस ऐसे ही विनर्स बन सकते हैं और अपनी जो फोटो है वो इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो गाइस लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिए, खेलिए, पैसे कमाइए। तो इसके बाद गाइस अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो वहां पर मैंने रखा है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को। जी हाँ गाइस, शाहिद अफरीदी भी इसी बात के लिए जाने जाते थे कि आते ही गाइस बड़े शॉट्स खेलना वो शुरू कर देते थे, पहली बॉल से उनकी ट्राई यही होती थी कि जो बॉल है वो बाउंड्री के पार ही चली जाए, इस वजह से गाइस ये काफी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक भी नहीं पाते थे, जल्दी ही अपनी विकेट गंवा देते थे। लेकिन अगर किस दिन शाहिद अफरीदी का दिन होता था तो उस दिन बॉलर्स की खैर नहीं होती थी। नंबर 3 पर गाइस मैंने रखा है ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो। जी हाँ गाइस, ग्लेन मैक्सवेल के बारे में भी आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब भी क्रीज पर आते हैं आते इनकी ट्राई ये होती है, ए बी डिविलियर्स की तरह ही गाइस आ रहे तेरे शॉट से खेलना शुरू कर देते हैं, स्विच हिट काफी अच्छी मारते हैं, आते ही गाइस स्विच हिट जो है वो शॉट खेलना शुरू कर देते हैं और उस पर काफी बड़े बड़े सिक्स ये बटोरते हैं, और फिर एंड तक इनकी गेम ऐसे ही चलती है, कोई दूसरा गियर इनकी गेम में है नहीं। नंबर 2 की बात करूं तो गाइस वहां पर मैंने रखा है वरिंदर सहवाग को। जी हाँ गाइज, आप सभी लोग जानते ही हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने कई बार ऐसा हुआ है, ओपनिंग करते थे इंडिया के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि गाइज पहली बॉल पर ही बाउंड्री लगाकर इन्होंने जो है अपनी इनिंग की शुरुआत की हो, और गाइज चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, इनके खेलने का अंदाज नहीं बदला। टेस्ट क्रिकेट में गाइज एक ही दिन में 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। नंबर 1 की बात करूँ तो गाइज आंद्रे रसल द मॉन्स्टर। जी हाँ गाइज, आप सभी लोग वाकिफ़ हैं आंद्रे रसल के नाम से, काफ़ी तकड़ी ये पावर हिटिंग करते हैं, इनकी बैटिंग भी एक्चुअली तभी आती है 15-16 ओवर के बीच आती है, तो फिर आते हैं इनके पास वैसे भी कोई ऑप्शन होता नहीं है और टिककर खेलने का या कुछ भी, अगर इनके पास ऑप्शन होता भी है ना गाइज तब भी ये टिककर खेलना पसंद नहीं करते। मान लो अभी मैंने कई बार देखा है कि KKR की विकेट्स जल्दी गिर जाती हैं 4-5, आंद्रे रसल 7-8 ओवर में आ जाते हैं, लेकिन इनका खेलने का अंदाज तब भी वही होता है, पहली बॉल से हिट करने की ट्राई करते हैं। तो गाइस ये 6 बैट्समैन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ब्रैंडन मैकुलम, एबी डिविलियर्स, शाहिद अफरीदी, ग्लेन मैक्सवेल, वरिंदर सहवाग, आंद्रे रसल। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे से कोई बैट्समैन ऐसा मिस हो गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलना। और गाइज आप लोग ना अपने जो प्लेयर्स हैं आपको लगता है पावर हिटर्स हैं, फेयरलेस पावर हिटर्स हैं, वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
और गाइस लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग जीत सकते हैं एयरपॉड्स प्रो और गाइस विराट कोहली की साइंड मर्चेंडाइज। आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। और गाइस हमारी इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।